श्री काल जी, कनाडा इमिग्रेशन से न्यू अपडेट है प्रोसेसिंग टाइम्स के रिगार्डिंग, जिसमें विजिटर वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है और स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल है, स्टडी परमिट है। तो अब कितना प्रोसेसिंग टाइम है वो हम चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर आउटसाइड कनाडा और इंडिया से फाइल लगाई है, इंडिया से फाइल लगाई है 26 दिन, 26 दिन का प्रोसेसिंग टाइम है अगर आपने फाइल लगाई है तो। ये 10 मई का अपडेट है वीकली, तो 26 दिन है। और इनसाइड कनाडा, इनसाइड का है ऑनलाइन 16 दिन, पेपर बेस 24 दिन। और विजिटर एक्सटेंड रिकॉर्ड, विजिटर एक्सटेंड रिकॉर्ड ये है 115 दिन और पेपर बेस 116 दिन। उसके बाद स्पाउस, इसका है सुपर वीजा एंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, ये हमने लगाई फाइल। जैसे फिफ्टी थ्री डेज सुपर वीज़ा पेरेंट्स एंड ग्रैंड, स्टडी परमिट आउटसाइड 7 वीक्स, इनसाइड है 3 वीक्स एंड स्टडी परमिट एक्सटेंड 89 डेज, ऑनलाइन पेपर बेस 242 डेज, 242 दिन। तो आगे हम चेक करते हैं वर्क परमिट आउटसाइड, और ये इंडिया से फाइल लगाई है। नाइन वीक्स स्टडी परमिट ये है इनसाइड इनिशियली एंड एडजस्ट, हमने 183 डेज, ऑनलाइन पेपर बेस 13 दिन। 10 मई का अपडेट है। आगे इमिग्रेशन जो है में आ जाते हैं प्रोग्राम में, एंटार्क्टिका इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम 30 महीने, तो ये एंटार्क्टिका इमिग्रेशन प्रोग्राम 5 महीने, कनाडा एक्सपीरियंस क्लास 4 महीने और केयर गिवर होम सपोर्ट वर्कर लेस देन 24 मंथ, 30 मंथ, लेस देन 36 मंथ, होम सपोर्ट वर्कर 24 मंथ, लेस देन 36 मंथ एंड वैलिड बाय एप्लीकेशन एंड लेस देन 24 मंथ, 35 मंथ एंड वैलिड बाय एप्लीकेशन। आगे हम चेक करते हैं, तो काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि मुझे अपनी फाइल का स्टेटस नहीं पता लग रहा है। देखो जी, आप अगर अपने केयर गिवर फाइल के स्टेटस पता करना है तो ये देखो बेटा, आप अपने यहाँ चेक एप्लीकेशन डालनी है, अपने चेक अपनी एप्लीकेशन स्टेटस पाना है, जो आपका एप्लीकेशन नंबर एजेंट ने दिया है, जो आपको सारी देखे हैं वहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं। और किसी की फाइल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, कुछ चेंज कराना है, तो ये वेब फॉर्म भर सकते हैं आप अपनी एप्लीकेशन का, तो ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो आगे हम चेक करते हैं फैमिली स्पॉन्सरशिप में स्पाउस ओपन का ला इनसाइड 14 मंथ, आउटसाइड में हम देखते हैं 16 मंथ, डिपेंडेंट चाइल्ड में हम देखते हैं, इंडिया से फाइल लगानी है 22 मंथ। उसके बाद है पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स 25 मंथ, अडॉप्टेड एंड अनदर चाइल्ड, इंडिया से फाइल लगेंगे 35 मंथ। मई से ये अपडेट है। तो ये डिफरेंट ना प्रोसेसिंग टाइम जो है एप्लीकेशन का चेंज होता रहता है, तो अभी हम इसमें और भी देखते हैं
ये हम देख रहे थे टेम्प्रेरी में, ये अपने इनसाइड भी देख लो वर्क परमिट सीजनल एग्रीकल्चर 38 डेज। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम जो है प्रोसेसिंग टाइम जो वीकली चेंज होता रहता है, तो इस वीक का जो चेंज हो वो हमने आपके साथ शेयर करा। बाकी जो है केयर गिवर की फाइल या भी प्रोसेस में चल रही है। 2023 में भी काफ़ी बच्चों के जो हैं फाइल नंबर्स भी मिल रहे हैं और उनको बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट भी आ रही है, तो फाइल जो है केयर गिवर की धीरे धीरे प्रोसेसिंग कर रही है, फास्ट कर रही है। कुछ के अभी आए नहीं, कुछ के आ चुके हैं। 2021 में भी रिजल्ट काफ़ी मिल रहे हैं और 22 के भी थोड़े थोड़े रिज़ल्ट आने शुरू हुए हैं, पर अभी पूरे नहीं आए, एक मोस्टली आ जाएंगे होप कर सकते हैं। जितना हमें ओवरऑल पता लगा है तो हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिए। विजिटर वीज़ा के भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, डिपेंड है कि आपका प्रोफाइल कैसा है। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, अगर आपके प्रोफाइल में कोई कमी पेशी है तो जो विजिटर वीज़ा के हैं वो रिफ्यूज़र भी आ जाते हैं। और स्पाउस ओपन वर्क परमिट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और स्टडी परमिट के भी रिज़ल्ट मई इनटेक्स के तो ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं मिल चुके हैं, तो सितंबर इनटेक के भी रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच, आगे हम नई वीडियोज़ में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।